मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई, जिसका नाम है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और इसमें हम लोग जो है, इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें फिनॉल क्या है, फिनॉल को किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम लोग देखे थे। आज हम जो है फिनॉल के थोड़ा सा भौतिक गुण की बात करते हैं, फिर रासायनिक गुण की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिख देते हैं फिनॉल के भौतिक गुण। कौन सा गुण हमारा? भौतिक गुण देखेंगे, फिनॉल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। इसमें पहला जो भौतिक गुण है वो है हमारा अवस्था, किस अवस्था में पाया जाता है। तो सामान्य ताप पर जो भी जो फिनॉल होता है वो क्रिस्टली ठोस अवस्था होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सामान्य ताप पर फिनॉल जो होता है वो क्रिस्टली ठोस अवस्था में होता है, क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो फिनॉल क्या होता है, क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन 5% जली विलयन के साथ, 5% है ना, जली विलयन में द्रव अवस्था में होता है। 5% जली विलयन में किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। मतलब अगर उसमें 5% क्या मिला दें, पानी मिला दें, तो जली विलयन बन जाएगा जो द्रव अवस्था में होता है, जिसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो जो हमारा क्या होता है, जो फिनॉल होता है वो फिनॉल कैसा अवस्था में होता है? क्रिस्टली ठोस अवस्था में होता है। बट उसमें 5% अगर हम पानी मिला देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, 5% जैसे ही हम पानी मिलाते हैं वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो फिनॉल होता है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। और ये जो कार्बोलिक अम्ल होता है वो संचारण प्रवृत्ति के होते हैं। भाई संचारण मतलब दूसरों को संचारित कर देते हैं, अनार्द प्रकृति के होते हैं। तो इस तरीका से जो अवस्था है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये हम बोल सकते हैं कि सामान्य ताप पर जो फिनॉल होता है क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाया जाता है, 5% जल मिला देते हैं तो जली विलयन में कन्वर्ट हो जाता है जो द्रव अवस्था में होता है, और ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रकृति संचारण की होती है। रंग, और अगर हम किसकी बात करें, गंध की बात करें, तो जो रंग होता है, वैसे तो शुद्ध जो हमारा फिनॉल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। बट वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेने से क्या हो जाता है, गुलाबी रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि शुद्ध फिनॉल कैसा होता है भाई हमारा? रंगहीन होता है, लेकिन वायु में क्या करने पर, खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से क्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं लेकिन वायु में खुला छोड़ देने पर है ना, ऑक्सीजन की क्रिया से गुलाबी रंग का हो जाता है, है ना, क्रिया से कौन सा रंग का भाई हमारा? गुलाबी रंग का हो जाता है। ये क्यूनोन बनने की वजह से होता है भाई, है ना, क्यूनोन बन जाता है, इस वजह से गुलाबी कलर में हो जाता है। मतलब इसका स्थिति अगर हम देखे जाएं तो ऐसा है, ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब इसको खुला छोड़ दोगे वायुमंडल में तो ये वायुमंडल के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और इस तरीका से क्यूनोन बनाता है। और ये जो क्यूनोन होता है, इस क्यूनोन के वजह से ही इसका रंग कैसा होता है हमारा, गुलाबी रंग होता है। कौन सा रंग? गुलाबी रंग होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा फिनॉल होता है वो गुलाबी रंग का होता है क्यों, तो आप बोल सकते हैं कि शुद्ध जो हमारा क्या होता है, जो आपका जो फिनॉल होता है, ये शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, लेकिन वायु में जैसे ही छोड़ते हैं, वायु के साथ ये क्या करता है, इस प्रकार से क्रिया कर लेता है, क्यूनोन बनाता है, और इसके वजह से इसका रंग जो है रंगहीन से क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और अगर हम गंध की बात करें तो फिनॉलिक गंध होता है इसमें, है ना, इसमें फिनॉलिक गंध होता है। तो आपको अगर सुन के देखेंगे तब पता चलेगा कैसा होता है आपका। तो ये फिनॉलिक गंध होता है, इसमें फिनॉलिक गंध होता है। आपके लिए प्रैक्टिकल है, आप जाएंगे कभी तो सुन के देखेंगे, है ना।
तो आपको पता चल जाएगा कि फिनोलिक गंध कैसा होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो रंग कैसा होता है भाई, तो शुद्ध अवस्था में फिनाल रंगहीन होता है, बट वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्यूनोन बना लेता है इस प्रकार। इस वजह से उसका कलर जो है चेंज होकर कैसा हो जाता है, आपका गुलाबी रंग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कितने जो इसके भौतिक गुण है, दो भौतिक गुण है, उसको देख लिए। थर्ड नंबर है हमारा क्वथनांग। क्वथनांग मतलब होता है उबलना, ठीक है। तो द्रव अवस्था में रहेगा तो उबलेगा, तो पहले जैसा है, जैसे अल्कोहल के लिए आप पढ़े थे वैसे सेम टू सेम फिनॉल के लिए पढ़ते हैं कि फिनॉल का जो क्या होता है, जो क्वथनांग होता है वो आपका संगत अणु भार वाले, उनके जैसा अणु भार वाले जो ईथर है या बोल सकते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड है, एल्केन है, इनके अपेक्षा क्या होता है आपका उच्च होता है। वजह ये होता है कि जो फिनाल के अणु होते हैं एक से अधिक अणु, वो आपस में हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इनकी जो क्वथनांग है वो क्या होती है आपकी अधिक होती है, और बाकी का क्वथनांग इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें दुर्बल बंध पाई जाती है जिसको तोड़ना क्या होती है आपकी आसान होती है। ये सब हम एल्कोहल में देखे थे, वही सब चीज़ फिनाल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिनाल का क्वथनांग, फिनाल का क्वथनांग, क्वथनांग किसके अपेक्षा भाई हमारा संगत अणु भार वाले, संगत अणु भार वाले, अणु भार वाले, संगत अणु भार वाले एल्केन और एल्किल हैलाइड की अपेक्षा, एल्किल हैलाइड, हैलाइड की अपेक्षा, की अपेक्षा क्या होती है हमारी अधिक होती है, अधिक होती है, होती है, क्योंकि क्योंकि फिनाल के अणु, फिनाल के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, के मध्य कौन सा बंध रही है हमारा हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध क्या होती है पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे तोड़ने के लिए, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता होती है, जबकि 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 आपका बोल सकते हैं एथेन, एल्केन और एल्किल हैलाइड में दुर्बल बंध पाई जाती है, जबकि एल्केन और एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में, हैलाइड में कैसे होती है दुर्बल बंध होती है, दुर्बल बंध होती है जिसे तोड़ना आसान होती है, बंध होती है जिसे तोड़ना क्या होती है हमारी आसान होती है। तो इस तरीके से इसमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि जो फिनॉल होती है, फिनॉल की जो क्वथनांग होती है वो आपके उसके जैसा अणु भार वाले अन्य एल्केन हैं, ये हमारा एल्केन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि फिनॉल के अणुओं के मध्य क्या पाई जाती है हाइड्रोजन बंध पाई जाती है, जो काफ़ी मजबूत होती है, किनके अपेक्षा इन यौगिकों के मध्य पाए जाने वाले बंध की अपेक्षा, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा कठिन होती है। इस वजह से फिनाल का जो आपका क्वथनांग है वो क्या हो जाती है आपकी बढ़ जाती है। और हाइड्रोजन बंध को आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है, जैसे ये हमारा फिनॉल है, ठीक है, हम जो है बात करते हैं फिनॉल का, ये इस प्रकार से फिनॉल दिया गया है, फिनॉल का फार्मूला इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं OH। तो यहाँ पर एक और हम क्या कर सकते हैं, फिनाल इस प्रकार से बना सकते हैं और इसका भी हम लोग क्या करते हैं OH। तो यहाँ पर जो बंध होता है ये आपका हाइड्रोजन बंध होता है और हाइड्रोजन बंध से इनके अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इस वजह से इनके क्वथनांग थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं इनके अपेक्षा संगत अणु भार के वाले के अपेक्षा। अब हम बात करते हैं विलयशीलता। विलयशीलता मतलब जल में घुलता है या नहीं घुलता है। तो फिलहाल हम फिनाल की बात करें तो फिनाल जल में आंशिक विलय है भाई, ठीक है। फिनाल जो होता है फिनॉल जल में आंशिक विलय है, जल में आंशिक विलय है, आंशिक विलय है मतलब कम घुलता है, कम घुलता है, आंशिक विलय है, विलय मतलब घुलना होता है ना, विलय है। लेकिन आपका जो डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है और हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है वो ज़्यादा विलय होते हैं, है ना। तो फिनॉल आपका जल में कैसे है भाई, हमारा आंशिक विलय है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया,
फिनॉल लिख दिया और बता दिया कि फिनॉल जल में आंशिक मिले हैं, जबकि जबकि डाइहाइड्रिक फिनॉल हो गया। डाइहाइड्रिक फिनॉल आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो इससे पहले वाला क्लास में, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राई हो गया, और ये हमारा क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो और यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जल में पूर्ण रूप से मिले हैं, पूर्ण रूप से विलय होते हैं। इसका वजह ये है कि ये जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसका कारण यह है कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो इस तरीका से हम बता सकते हैं कि फिनॉल जल में आंशिक विलय हैं, बट डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जल में पूर्ण रूप से विलय हैं। वजह ये होता है कि ये जो हमारे जल होते हैं उसके साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, है ना, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ये क्या होते हैं, उसमें घुल जाते हैं। तो इस तरीका से आप इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए फिर एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे हमारा क्या होता है OH, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग जल की बात कर देते हैं, ये जल हो गया, और एक और हम फिनॉल यहाँ पर क्या कर देते हैं, बना देते हैं इस प्रकार से O, और ये हो जाता है H। तो यहाँ से आपका दोनों के बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो इस तरीका से आप हाइड्रोजन बंध क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया वो, और यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीका से क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और इस वजह से हमारा डाइहाइड्रिक फिनॉल और आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, जल में विलय होता है। तो यहाँ से आपका एक आध नंबर का क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इतना में आपका क्या होता है, आपका भौतिक गुण क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। किसका रासायनिक गुण भाई, फिनॉल का जो क्या होता है रासायनिक गुण होता है, उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका रासायनिक गुण है। पहला इसमें रासायनिक गुण आपका दिया गया है, और वो दिया है आपका अम्लीय स्वभाव। कौन सा स्वभाव, अम्लीय स्वभाव, ठीक है। अम्लीय स्वभाव क्या होता है भाई, फिनॉल रियल में अम्ल होता है, तो वो अम्लीय स्वभाव किस प्रकार से दर्शाता है उसको हमको जानना है, कि वो अम्लीय स्वभाव किस प्रकार से दर्शाता है। इससे पहले वाला क्लास जो 10th क्लास है, आप उसमें थोड़ा सा आर्हेनियस समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। आर्हेनियस समीकरण बोलता हूँ, आर्हेनियस जो सिद्धांत है, अम्ल क्षार, आर्हेनियस है ना, जो अम्ल क्षार सिद्धांत है, उसमें ये बोला गया है कि ऐसा पदार्थ जो पानी में क्या देता है, H प्लस आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जो OH माइनस आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो उसी के बेस पर इनके अम्लीय स्वभाव को बताते हैं कि जो फिनॉल होता है, यदि हम इस फिनॉल को क्या कर देते हैं भाई, जल में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, जल में घोल देते हैं, क्या जल में मिला देते हैं, है ना, मिले कर देते हैं बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फिनॉल है, और इस फिनॉल को अगर हम क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, विलय कर देते हैं। तो जल में जैसे ही हम क्या करते हैं, विलय करते हैं, है ना, H2O जिसको बोलते हैं, विलय करने पर ये फिनॉल जो होता है अपना हाइड्रोजन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और एक हमारा फिनॉक्साइड आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, और ये हाइड्रोजन डोनेट कर लेता है जो पानी में चला जाता है, और ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल को जब हम क्या करते हैं, पानी में या जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन क्या कर देता है, प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन आयन क्या कर देता है, त्याग देता है, और फिनॉक्साइड बनाता है। चूँकि ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को त्यागता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल के श्रेणी में रखा जाता है। इस वजह से फिनॉल क्या होता है आपका, अम्ल होता है, क्योंकि हमारा आर्हेनियस ये कहता है कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देता है वो सभी के सभी अम्ल है, और फिनॉल भी क्या करता है, हमारा जल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इस वजह से फिनॉल भी कैसा होता है, अम्लीय स्वभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या अम्लीय स्वभाव को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीका से फिनॉल का जो क्या होता है,
अम्ली स्वभाव होता है उसको क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे रीजन दिया गया है किसके फिनाल के अम्ली स्वभाव को क्या करने का बताने का, उसको हमको क्या करते जाना है वन बाय वन करके देखते जाना है। तो यहाँ पर आपका जो फिनाल दिया गया है उस फिनाल के है ना, फिनाल के अम्ली स्वभाव को दर्शाने के अन्य कारण भी आपका दिया है। थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो फिनाल के अम्लीय स्वभाव के अन्य कारण, स्वभाव के क्या दिया हमारा अन्य कारण दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिनाल के अम्ली स्वभाव के क्या देखना है, अन्य कारण है उसको भी देखते हैं। पहला कारण ये दिया गया है कि जो फिनाल होता है, इस फिनाल के हमारा क्या होता है, जो OH होता है, ये OH क्या होता है हमारा, देखा जाए तो इसके जो बंध में ध्रुवता का गुण पाया जाता है, ध्रुवी है ना गुण पाया जाता है। तो ये जो हमारा फिनाल है, यहाँ पर हम लोग इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं आप समझेंगे इसको। तो जो फिनाल दिया गया है उस फिनाल में जो OH हमारा दिया गया है, इसमें आपका ध्रुवता का गुण क्या होता है पाया जाता है। ध्रुवता मतलब क्या होता है, इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिससे हमारा हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में सरलता से क्या हो जाता है यहाँ पर निष्कासन हो जाता है। निष्कासन मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। और चूँकि यहाँ पर जो है आसानी से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, इस कारण से भी फिनॉल अम्ली स्वभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिनॉल जो है अम्ली गुण को दर्शाता है। तो ये जो है अन्य कारण का पहला रीजन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो फिनॉल होता है उस फिनॉल का जो क्या होता है, जो OH हमारा वाला भाग होता है, इस OH वाला भाग ध्रुवी प्रकृति का होता है। ध्रुवी प्रकृति का होता है मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है हमारा, ऑक्सीजन खींच लेता है तो माइनस चार्ज, और फिर हाइड्रोजन बेचारा क्या करता है, वो वहाँ से प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो इस कारण से भी जो फिनाल होता है वो फिनाल क्या करता है आपका अम्ली स्वभाव को क्या करता है, सो करता है। तो इस रीजन को भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जो फिनाल होता है उसमें अनुनादी संरचना पाया जाता है, और फिनाल में अनुनादी संरचना पाए के जाए के जाने के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज के वजह से वहाँ से हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाता है आपका, विस्थापित हो जाता है। इस वजह से भी फिनाल अम्ली स्वभाव क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, फिर और समझा दूंगा मैं। फिनॉल में अनुनादी संरचना पाया जाता है, अनुनादी संरचना है ना पाया जाता है, पाया जाता है। अनुनादी संरचना क्या किया जाता है भाई, पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाया जाता है। अनुनादी संरचना के कारण, अनुनादी संरचना के कारण, संरचना के कारण, अनुनादी संरचना के कारण, के कारण, अनुनादी संरचना के कारण है ना, फिनॉल के ऑक्सीजन पर है ना, फिनॉल के ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर है ना, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे जिससे हाइड्रोजन का विस्थापन सरलता से हो जाता है, जिसके जिसके कारण बोल सकते हैं, जिसके कारण कारण हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन, का विस्थापन सरलता से हो जाता है, विस्थापन सरलता से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका जो फिनॉल होता है, फिनॉल में अनुनादी संरचना पाया जाता है, अनुनादी संरचना की वजह से उसमें क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश आता है, धनात्मक जैसे ही आवेश आता है हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और चुपचाप क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। इस वजह से भी फिनॉल जो होता है आपका कौन सा संरचना दिखाता है आपका,
कौन सा स्वभाव दिखाता है? अम्लीय स्वभाव। कैसे दिखता है भाई, जरा देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फिनाल होता है। ये हम इस प्रकार से पहले जैसा बना सकते हैं। ये क्या होता है हमारा, OH होता है। और आप जानते हो कि इसके पास दो लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, शिफ्ट हो जाता है। तो एक स्थिति अनुनादी संरचना में पुनः क्या हो जाता है आपका, बन जाता है इस प्रकार से। और ये हो जाता है आपका OH, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो प्लस चार्ज का स्थिति आ जाता है। देखो प्लस चार्ज आ गया, ये चला गया यहाँ पर, ये इस प्रकार से ऐसा, और ये इस प्रकार से ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा क्या होता है, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन। एक स्थिति क्या होता है हमारा, निर्मित होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया भाई, बेंजीन। और ये हमारा डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया है ना, और ये आपका यहाँ पर, और ये यहाँ पर रहता है। अब ये जो हमारा लोन पेरा इलेक्ट्रॉन हो, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला बंद जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। एक स्थिति हमारा पुनः क्या होती है, यहाँ से निर्मित हो जाती है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका बेंजीन हो गया, ये जो है इस प्रकार से। ये डबल वन अभी भी क्या है हमारा, OH है, प्लस में है हमारा, ये हमारा क्या है, प्लस है। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। देखो ये यहाँ पर गया, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है पुनः क्या हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो पुनः एक हमारा स्थिति निर्मित होता है। ये तो डबल बॉन्ड अभी भी OH है, प्लस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये चला गया यहाँ पर, और ये हमारा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, ये ऐसा कैसा। अब ये क्या करता है, पुनः यहाँ पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पुनः अपने पुराने पोजीशन पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो इस स्थिति में आपका क्या बनता है हमारा, सिंगल बॉन्ड OH, फिर से वो स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। इस तरीका से इसके पाँच क्या बनते हैं हमारे, अनुनादी संरचना बनते हैं। ये तीन हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया, और ये हमारा कौन सा होता है, पांचवा। तो आप देख रहे हैं इस अनुनादी संरचना के कारण ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, थोड़ा देर के लिए हमारा धन चार्ज आ जाता है। और जैसे ही धन चार्ज आता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ता है, और उस ज़रूरत को कौन पूरा करता है, हाइड्रोजन पूरा करता है। और हाइड्रोजन फिर आसानी से क्या हो जाता है आपका, अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाता है। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना आसानी से, तो इस कारण से ये अम्लीय स्वभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है भाई हमारा, कंपेयर करते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो फिनॉल होता है, ठीक है, फिनॉल जो होता है उसकी हम बात करें। ये हमारा क्या होता है, फिनॉल, ये हम लोग बना दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल के अलावा हमारा एक क्या होता है, फिनॉक्साइड होता है। अभी जस्ट हम लोग बनाए थे फिनॉक्साइड, किसको बोलते हैं, ओ माइनस होता है। ये हमारा क्या होता है, वो माइनस होता है। तो जो फिनॉल होता है उनकी स्थायित्वता कम होता है, और ये जो हमारा फिनॉक्साइड होता है उनकी स्थायित्वता क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो हमारा फिनॉल होता है वो क्या होता है हमारा, कम स्थायी, ये मतलब ये अधिक स्थायी होगा। कौन सा, फिनॉक्साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थ्योरी आप लिख लेंगे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। फिनॉक्साइड, कौन सा हमारा, फिनॉक्साइड, ये हमारा क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक क्या होता है हमारा, स्थायी होता है। और ये हमारा क्या होता है आपका, कम स्थायी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फिनॉल होता है अभी जस्ट उसके क्या होते हैं, पाँच अनुनादी संरचना पाया जाता है, वैसे ही हमारा फिनॉक्साइड के भी क्या होते हैं हमारे, पांच अनुनादी संरचना आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके भी क्या 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 बनते हैं हमारे, पांच आपका अनुनादी संरचना देखने को मिलता है। ये माइनस चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से ये सब उसके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही हैं, और उसके पास एक और एक जोड़ा है, तीन जोड़ा। तो उस स्थिति में क्या करता है हमारा, ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, ये सामने वाला में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी पांच अनुनादी संरचना बनता है। तो इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, जिसके पास कितना हमारा, तीन जोड़ा लोन पैर इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस। अब ये डबल बॉन्ड, और ये उसके बाद जो है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना, उसको हम लोग करते हैं।
ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाना है क्योंकि सब में डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और ये हमारा माइनस, इसके पास माइनस है मतलब कितना हमारा तीन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है, तो इनकी भी अपनी एक क्या होती है पहले जैसा स्थिति निर्मित होती है, इसमें डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है और अभी भी माइनस चार्ज को क्या करता है सो करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ना, तो आपका एक स्थिति कैसा होता है इस प्रकार से देखने को क्या होता है मिलता है। अब इधर का आप जानते हो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है आपका स्थिति जो देखने को मिलता है डबल बॉन्ड ओ एक दो, और यहाँ पर क्या होता है फिर माइनस चार्ज ही होता है, ये हमारा डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, अब ये क्या होता है यहाँ पर चला जाता है, ये आगे क्या हो जाता है आपका शिफ्ट हो जाता है, तो आपका स्थिति देखने को क्या होता है आपका मिलता है, क्या होता है कैसा होता है उसको देखेंगे। ये आपका ऐसा, और डबल बॉन्ड अभी भी ओ है एक दो और ये माइनस चार्ज है। अब यहाँ से ये वाला शिफ्ट यहाँ पर हो गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर फिर से शिफ्ट होता है तो ये पुरानी अवस्था में क्या हो जाता है अपना वापस आ जाता है, तो ये हमारा पुरानी स्थिति जो होता है उसको क्या कर लेता है आपका प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, अब कौन सा बॉन्ड बचा है भाई, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है क्योंकि फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया, तो ये एक दो तीन चार पाँच और छः, और ये माइनस चार्ज अभी भी है, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और ये हमारा जो है इधर और एक इधर, तो इनके भी टोटल कितने संरचना बनते हैं हमारे, पाँच संरचना बनते हैं, ये हमारा फाइव हो गया, ये हमारा क्या हो गया फोर हो गया, ये हमारा थ्री हो गया, ये हो गया टू हो गया, और एक हमारा होता है वन। तो हमारा जो फिनॉक्साइड होता है उनके भी पांच अनुनादी संरचना बनता है, और इससे पहले हम लोग देखे हैं फिनाल के भी क्या होता है पांच अनुनादी संरचना बनता है, लेकिन जो फिनाल के अनुनादी संरचना होता है इसमें से आपका तीन अनुनादी संरचना होता है एक जैसा होता है, और ये जो लास्ट लास्ट में दिख रहा है उनका स्थिति अलग होता है, मतलब फिनाल के जो अनुनादी संरचना होता है उसमें आपका दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है, आपका दो तीन चार अलग दिखता है और एक और पांच क्या करता है अलग दिखता है, जबकि हमारा जो क्या होता है जो फिनॉक्साइड का जो अनुनादी संरचना होता है वो आपका क्या होता है एक जैसा क्या होता है लगभग दिखाई देता है, और एक जैसा दिखाई देने की वजह से ये इसकी स्थायित्वता को क्या कर देता है बढ़ा देता है, यही वजह है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये फिनॉक्साइड आयन क्या होता है अधिक स्थायी होता है किनके अपेक्षा फिनॉल के अपेक्षा, तो यही रीजन है, आप इसी रीजन को आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन दे देता है तब की बात है और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से हम फिनॉक्साइड और फिनॉल में क्या कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्थायी होता है कौन कम स्थायी होता है हम लोग बता सकते हैं, तो फिनॉक्साइड और फिनॉल दोनों में अनुनादी संरचना पाया जाता है, बट फिनॉल की अनुनादी संरचना में दो प्रकार के संरचना का समावेश देखने को मिलता है, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसमें जो है संरचना जो है एक ही प्रकार का होता है जो उसकी स्थायित्वता को बढ़ा देता है, यही वजह है कि हमारा फिनॉक्साइड जो आयन होता है वो आपका ज़्यादा स्थायी और फिनॉल जो होता है वो कम स्थायी होता है, तो इस तरीके से इसको बताया जा सकता है भाई, ठीक। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फिनॉल और अल्कोहल में किसका स्थायित्वता ज़्यादा होता है ना, या कौन ज़्यादा अम्ली है उसको हमको देखना है, तो यहाँ पर आगे का हमारा टॉपिक क्या है फिनॉल और जो अल्कोहल होता है, फिनॉल और हमारा क्या होता है जो अल्कोहल है ना के, फिनॉल और एल्कोहल के अम्लीय गुणों की तुलना, अम्लीय गुणों की क्या देखेंगे हम लोग तुलना करेंगे, किसका तुलना करेंगे भाई हम लोग फिनॉल और हमारा जो क्या होता है एल्कोहल होता है, एल्कोहल मतलब एल्कोहल को किससे दर्शाते हैं ROH से, और फिनॉल को किससे दर्शाते हैं हमारा बेंजीन करके ऊपर दर्शा देते हैं, तो फिनॉल और ROH जो होता है उन दोनों के अम्लीय गुणों की तुलना अगर हम देखें तो फिनॉल अधिक अम्लीय होता है और आपका अल्कोहल जो होता है आपका कम अम्लीय होता है, फिनॉल अम्लीय अधिक होने के पीछे कारण ये होता है कि जो हमारा क्या होता है जो फिनॉल होता है उसमें अनुनादी संरचना पाया जाता है, और अनुनादी संरचना के कारण जो हमारा क्या होता है जो प्राप्त जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है, फिनॉल जो होता है फिनॉल में अनुनादी संरचना के प्राप्त जो क्या होता है हमारा
जो फिनोक्साइड होता है, उस फिनोक्साइड में जो ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, जो ऋणात्मक आवेश क्या होता है पाया जाता है, वो आपका अनुनादी संरचना के कारण जो है आपका विस्थानीकृत हो करके क्या होता है आपका, वो अनुनादी संरचना के कारण विस्थानीकृत हो जाता है, इसलिए पुनः वो हाइड्रोजन को क्या करता है, ग्रहण नहीं करता है। जबकि हमारा जो है आर और ओ एच की बात करें, तो आर और ओ एच जो होता है, आर ओ एच में देखेंगे तो हमारा आर ओ एच क्या करता है, एक हाइड्रोजन डोनेट करके हमारा एल्का ऑक्साइड आयन बनाता है, और एल्का ऑक्साइड आयन जो होता है उस पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो एक ही ऑक्सीजन पर स्थानीकृत रहता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को पुनः कहीं ना कहीं क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, इस वजह से इसका स्थायित्वता खत्म हो जाता है, इस वजह से क्या होता है ये कम अम्लीय और ये क्या होता है ज़्यादा अम्लीय। मैं और आपको और समझा रहा हूँ कैसा है क्या है ना, और मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं आपको फिर से समझाता हूँ आपका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिनाल का अम्ली स्वभाव, अम्ली स्वभाव स्वभाव एल्कोहल की अपेक्षा, एल्कोहल की अपेक्षा अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि 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 फिनॉल के है ना आयनन से प्राप्त क्योंकि फिनॉल के आयनन से प्राप्त फिनॉक्साइड आयन है ना, फिना क्या है, फिनाल से प्राप्त फिनोक्साइड आयन में अनुनादी संरचना पाया जाता है, फिनोक्साइड आयन में अनुनादी संरचना पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाया जाता है पाया जाता है पाया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणात्मक आवेश पूरे बेंजीन रिंग में स्थानीकृत होता है, पूरे बेंजीन रिंग में विस्थानीकृत होता है जो उसकी स्थायित्वता को बढ़ा देता है, जिससे उसकी स्थायित्व बढ़ जाता है ना, पूरे बेंजीन में स्थानीकृत होता है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन को जो है पुनः वो एक्सेप्ट नहीं करता है, अर्थात हाइड्रोजन को पुनः ग्रहण नहीं करता है अर्थात अधिक स्थायी होता है। जबकि अल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्का ऑक्साइड आयन पर अनुनादी संरचना नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ऋणात्मक आवेश एक ही ऑक्सीजन परमाणु पर, है ना, ऋणात्मक आवेश यहाँ पर लिख देता हूँ, ऋणात्मक आवेश एक ही ऑक्सीजन परमाणु पर
है ना, स्थाई रहता है, स्थाई रहता है, जो उसकी स्थायित्वता को, स्थायित्वता को क्या कर देता है, कम कर देता है, कम कर देता है। यही कारण है, यही है ना, अर्थात हाइड्रोजन को पुनः ग्रहण कर लेता है, लिख देते हैं, देता है, अर्थात अर्थात हाइड्रोजन को पुनः ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, पूरा ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसलिए इसकी स्थायित्वता, इसका स्थायित्व स्थायित्व कम होता है, कम होता है, स्थायित्व कम होता है। यही कारण है, यही कारण है, कारण है, यही कारण है कि फिनॉल का अम्लीय स्वभाव अल्कोहल की अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है, की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा फिनॉल होता है ना, फिनॉल जो होता है, फिनॉल ये क्या करता है हमारा, ये अपना हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के पश्चात क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड क्या बनाता है भाई, आयन बनाता है, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसी प्रकार एल्कोहल भी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और ये है ना एल्कोऑक्साइड आयन बनाता है, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोऑक्साइड आयन बनाता है, एल्कोऑक्साइड बनाया जाता है, आयन बनाता है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, अनादि संरचना होता है, और अनादि संरचना के कारण ये जो बना हुआ ऋण चार्ज होता है, वो पूरे बेंजीन में क्या करता है, इस प्रकार से रोटेट करता है, और पुनः वहीं पर क्या हो जाता है, आ जाता है, है ना, मतलब माइनस चार्ज जो होता है एक जगह स्थानीकृत ना होकर के रोटेट करते रहता है, रोटेट करते रहता है। इसलिए उसको जो हाइड्रोजन जिसको डोनेट किया है उसको फिर से वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए जो है उसका स्थायित्वता वैसा का वैसा ही बना रहता है, इसलिए वो अधिक स्थायी होता है। जबकि हमारा एल्कोहल में जो क्या होता है, जो एल्कोऑक्साइड आयन प्राप्त होता है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो एक ही ऑक्सीजन परमाणु पर रहता है, क्योंकि इनमें अनादि संरचना नहीं होता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बाद में क्या करता है, हाइड्रोजन को पुनः क्या कर लेता है, आपस खींच लेता है, मतलब उसका स्थायित्वता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इनका जो हमारा क्या होता है, अम्लीय गुण जो होता है वो कम, और इनका जो अम्लीय गुण होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल और एल्कोहल के जो अम्लीय गुण है उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये तो हो गया आपका फिनॉल और अल्कोहल की बात। अब यहाँ पर फिनॉल के जो बोल सकते हैं अम्लीय गुण को प्रभावित करने वाले क्या है, हमारे कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रभावित करने वाले कारक, अम्लीय गुण को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं। पहला होता है हमारा ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ये 11वीं क्लास का है, इसे हम लोग जो है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और एक होता है हमारा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है ना आपका क्या करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला समूह है ना, इसको हम लोग जो है ई डब्ल्यू जी से क्या करते हैं, हम लोग शो करते हैं। और इसके अंतर्गत जो समूह आता है, जैसे आपका एन ओ टू आता है, ठीक है, कौन आता है हमारा भाई, एन ओ टू, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या हो करते हैं, एक्सेप्ट करने वाले समूह हैं, जैसे एन ओ टू, सी एच ओ समूह, उसके अलावा सी डबल ओ एच समूह है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये हमारे जो समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले नहीं,
बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या वाले हैं, डोनेट करने वाले नहीं होते हैं, लेने वाले होते हैं। ठीक है भाई, लेते हैं, देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और हैलोजन हो गया। तो ये हमारे ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं, न कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो ये समूह जब क्या करते हैं, बेंजीन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन से वाले, ये जो माइनस आई इफेक्ट वाले जो भी समूह हैं, जब वो बेंजीन में क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा फिनॉल है, और यहाँ पर मान लो ये आर्थो पोजीशन पर या जो भी है पैरा पोजीशन पर उपस्थित रहते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो ये यहाँ से खींचेगा, और इस तरीका से यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जिसको मैं और आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया आपका फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर फिनॉल ऐसा है OH, और यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा है हमारा, NO2। और NO2 कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला कार्बन से, ये आपका जिक्र है जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर का जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगा, कमी पड़ेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो ये यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहाँ पर कम पड़ेगा तो कहाँ से खींचेगा, ऑक्सीजन पर खींचेगा, और ऑक्सीजन पर कम होगा तो कहाँ पर खींचेगा, वो हाइड्रोजन से खींचेगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन सरलता से क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। और जहाँ सरलता से हाइड्रोजन निकल जाएगा, वही तो हमारा अम्लीय गुण को शो करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यदि कोई माइनस आई इफेक्ट वाला समूह क्या जुड़ा हुआ है, फिनॉल के किसी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में वहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन आसानी से हो जाता है, अर्थात उसका अम्लीय गुण उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फिनॉल में ऋणात्मक समूह या ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव वाला अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को क्या करता है आपका, बढ़ाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींच लेता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन क्या हो जाता है, उतना ही आसान हो जाता है, और फिर वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो अर्थात ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव के कारण फिनॉल का अम्लीय स्वभाव क्या होता है, में वृद्धि होता है। और यहाँ पर आपके बुक में जो फिनॉल का जो बढ़ते हुए क्रम है अम्लीय स्वभाव का, उसको बताया गया है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, फिनॉल लिख लें, और फिनॉल के जो पैरा पोजीशन वाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्थिति आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके बुक में दिया गया है भाई, ये हमारा हो गया NO2 दिया गया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसको बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा आर्थो वाला का बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा OH, और ये हमारा क्या होता है, NO2 होता है, और सबसे कम किसका दिया है, हमारा मेटा वाला का दिया है, ठीक है। तो इस तरीका से आप मेटा वाला को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रम दिया है, इनका अम्लीय स्वभाव ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा कम, और ये हमारा क्या होता है, कम। इस प्रकार से आपका दिया गया है, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। मेन हमको बताना था कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। अब धनात्मक प्रेरित प्रभाव क्या करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होते हैं ना, ड्राइविंग, और इसको हम लोग किससे शो करते हैं, ED जी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं ना, आकर्षी मतलब खींचने वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले है ना, इलेक्ट्रॉन दाता बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी देने वाले होते हैं। देने वाले मतलब उधर सामने वाले को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जैसे इसके उदाहरण में आप मेथिल ले सकते हो, मेथिल समूह, यहाँ पर आप OH ले सकते हो, है ना, NH2 समूह ले सकते हैं। ये हमारे ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सबकी उपस्थिति से क्या होता है हमारा, और जो फिनॉल होता है उनकी अम्लीयता बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, हमारा फिनॉल दिया गया है, ये हमारा फिनॉल है, और यहाँ पर कोई R समूह दे दिया है, R मतलब एल्किल समूह, मान लो मेथिल दिया है, क्या दिया है हमारा, मेथिल दिया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, सामने वाला कार्बन को दे देगा, ये हमारा ये इसका दे दिया, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस वाला कार्बन को दे देगा। अब देने वाला कम कार हो रहा है ना, यहाँ पर ज़्यादा बोझा हो गया, तो ये वाला इस कार्बन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ये कार्बन बोलेगा नहीं, मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन किसको दे देगा, मतलब हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ से नहीं भाग पाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यही वजह है कि प्लस आई इफेक्ट वाला जो भी समूह होता है, उस समूह की उपस्थिति से फिनॉल का जो
अम्लीय गुण होता है, अम्लीय स्वभाव होता है, वो क्या होते जाता है आपका कम होते जाता है। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपके बुक में पहले वाला इसमें दिया है, पोजिशन आर्थो वाला को सबसे पहले दे दिया है, फिर आपका मेटा वाला को, पैरा वाला को, और लास्ट में मेटा वाला को आपको इस प्रकार से आपके बुक में दिया गई है। इसको आपको देखना है, ठीक है। ये हमारा OH जो कि सबसे ज़्यादा किसको दिया है, हमारा यहाँ पर मान लो CH3 है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं CH3 समूह ये सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा कौन सा वाला है, हमारा ये हमारा पैरा वाला दिया है गया है, ठीक है। ये OH हो गया, ये हो जाएगा हमारा OH, ओके। इसको आपको देखना है ना बुक से भाई, आपको मैं समझाना था। तो ये हो गया OH और ये हो गया हमारा जो है CH3, और सबसे जो कम होता है वो आपका मेटा में क्या होता है देखने को मिलता है, तो ये CH3। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका कुछ कारक जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में अम्लीयता बढ़ेगा और किसकी उपस्थिति में अम्लीयता क्या होगा, कम होगा। तो इतना में आपका लगभग जो भी अम्ली प्रकृति जो पढ़ रहे थे वो समाप्त होता है। अब अम्ली गुण को प्रदर्शित करने वाले कुछ हम क्या देखेंगे, अभिक्रियाएँ देखेंगे, है ना। अम्ली गुण को प्रदर्शित करने वाले कोई रासायनिक अभिक्रिया, इससे पहले जो पढ़े थे ना, जैसे हमारा एल्कोहल में क्या पढ़े थे, ROH H निकलने के आधार पर, ROH OH निकलने के आधार पर, इस प्रकार से अभिक्रिया देख रहे थे। अगर H निकलता है तो अम्ली स्वभाव को शो करता है, अगर OH निकलता है तो क्षारीय स्वभाव को शो करता है। वैसे ही फिनाल में भी आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो पहला वाला जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का अभिप्राय ये है कि अम्ली गुण को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक अभिक्रिया, अम्ली गुण को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है कि जो फिनाल होता है उसमें हाइड्रोजन ही क्या करेगा, बाहर निकलेगा, है ना, किस रूप में, प्लस रूप में, और ये माइनस बचा रहेगा, मतलब ये बचा रहेगा ऐसा करके, ठीक है। और कोई जुड़ने वाला समूह इन्हीं के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे पहले जुड़ता था। तो उसको हमको देखना है भाई, ठीक है। तो ये पहला दिया है धातुओं के साथ क्रिया और अम्ली प्रकृति, अम्ली प्रकृति मतलब हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हम लोग ले लेते हैं फिनॉल, ये ना फिनॉल, ठीक है। आप थोड़ा चित्र अच्छा बनाएंगे भाई, हमसे यहाँ पर अगर टेढ़ा वड़ा हो जाता है तो आप अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजीन, और यहाँ पर OH कर दिए, मतलब क्या हो गया, फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम क्या करता है, इसके ये माइनस वाला होता है और ये हमारा प्लस वाला होता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, इसकी दो मात्रा लेते हैं सोडियम को, वहाँ पर यहाँ पर इसकी भी दो मात्रा लेते हैं, और यहाँ पर हमारा सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, जाके जुड़ जाता है, यहाँ सामने दो लगा देते हैं, और इस तरीका से हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, रिलीज हो जाता है। क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं ऐसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 के रूप में बाहर निकल गया, और सोडियम फिनोक्साइड क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड होता है। क्या नाम है इसका नाम भाई, सोडियम फिनोक्साइड है, फिनो ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया दो हाइड्रोजन को, और दो सोडियम जाके क्या हो गया, जुड़ गया। तो पहला वाला अभिक्रिया खत्म हो गया। यहाँ पर अगर कोई टेम्परेचर वेम्परेचर होता है तो भाई उसको आप करेंगे ना, उतना याद नहीं रहेगा आपका, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से धातु के साथ क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया, किसका, फिनॉल का, किसके आधार पर, H निकलने के आधार पर, अम्ली स्वभाव के आधार, अम्ली स्वभाव मतलब H का निकलना, यही अम्ली स्वभाव कहलाता है। तो जितने भी अभिक्रिया देखेंगे उसमें H बाहर निकलेगा और कोई समूह आके जुड़ेगा, ठीक है। इसी को अम्ली स्वभाव बोलते हैं, क्योंकि जो यौगिक H प्लस देता है वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर H प्लस दे दिया, अम्ल हो गया, फिनोक्साइड बनाया, सोडियम आके उसके साथ जुड़ गया। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अकेला क्रिया नहीं करता है, इसके साथ कुछ हमारा एल्किल आयोडाइड भी रहता है, तो इसको हमको देखना है। ये हो गया हमारा फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, साथ में यहाँ पर C2H5 और ये I रखते हैं हम लोग, और फिर लग देते हैं NaOH। तो इसके साथ अगर हम क्रिया कराएं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये आप जानते हैं प्लस चार्ज वाला है, अम्ल दिखा रहा है, तो और ये हमारा क्या होता है OH, क्या होता है हमारा, माइनस चार्ज वाला होता है। ये हमारा प्लस चार्ज होता है और ये हमारा माइनस चार्ज वाला होता है। तो जो जो है उसको निकाल दो, यहाँ से हमारा क्या होता है NaI, प्लस और माइनस है, ये हमारा एक यौगिक निकल गया। H और OH है तो क्या निकल जाता है हमारा, H2O निकल जाता है। तो बचा क्या हमारा, ये बचा है आपका बेंजीन,
ये हमारा क्या बचा, बेंजीन, यहाँ पर बचा है ओ, ओ के साथ कौन जुड़ जाता है हमारा C2H5 जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं एथिल फेनिल ईथर, है ना, C2H5 को एथिल बोलते हैं और ये बेंजीन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, और ओ है तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो इस तरीका से एथिल फेनिल ईथर क्या हो जाता है आपका, प्राप्त हो जाता है। तो किसके साथ क्रिया कराएं, अगर हम फिनॉल लिए और इस फिनॉल को किसका नाम होता है, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और साथ में हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन तीनों के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो जो निकलने वाला चीज़ रहता है वो निकल गया और इस तरीका से आपको क्या हो जाता है, एथिल फेनिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या निकला है भाई, आपको तो दिख ही रहा है, इसमें कोई अलग से तो बात ही नहीं है, ये हमारा निकल गया सोडियम आयोडाइड के रूप में, ये प्लस और ये माइनस पानी के रूप में, और ये हमारा प्लस वाला था, ये प्लस वाला था ना, माइनस वाला के साथ क्या हो गया, इस प्रकार से जाके जुड़ गया और ये हमारा क्या बना लेता है, एथिल फेनिल ईथर क्या हो जाता है आपको, प्राप्त हो जाता है। तो कितने गुण हो गया भाई हमारा, दो गुण हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर है एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड क्या होता है आपका, यहाँ से एसिल क्लोराइड हम बोल सकते हैं CH3 COCl को बोलते हैं एसिल क्लोराइड, ठीक है, CH3 COCl को बोलते हैं एसिल क्लोराइड। यहाँ पर ये जो हमारा बनता कैसा है, तो ये इसका बनने का मतलब ये है कि पहले हमारा क्या रहता है, CH3 COOH रहता है, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, CH3 COOH, है ना, तो इसमें से OH जो है होता है वो रिप्लेस होकर के क्या हो जाता है वहाँ पर CO और CL आ जाता है, तो ये एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है या इसी को एसिल क्लोराइड कहते हैं। तो इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, फिनॉल के साथ, और फिनॉल का फार्मूला आप जानते हो, ये हमारा हो गया O और H। अब पढ़ क्या रहे हैं, है ना, अम्ली स्वभाव के आधार पर, मतलब यहाँ से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर हो गया OH, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसमें आप जो है दो तरीका से प्लस माइनस कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि क्लोरीन की विद्युत तीव्रता ज़्यादा होता है तो साझे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत तीव्रता कार्बन से ज़्यादा होता है इसलिए साझा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो माइनस चार्ज है और कार्बन पर प्लस चार्ज, और ये तो ऑलरेडी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, है ना, अब टेंशन ही नहीं है भाई हमारा। यहाँ से एक H लिख लो और एक हमारा Cl निकलो, तो यहाँ से क्या कर दो, HCl को निकाल दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस चार्ज वाला है और Cl माइनस चार्ज वाला है, HCl निकल गया, अब ये प्लस उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कैसा यौगिक बनेगा भाई, तो यहाँ से आप क्या कर दो, बेंजीन उठाओ, यहाँ पर O हो गया, अब O के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, तो C(OH) इससे जुड़ा हुआ है और ये हमारा हो जाता है CH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं फेनिल एसीटेट, है ना, क्योंकि CH3 है और COO है, तो CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाता है आपका, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, फेनिल एसीटेट, क्यों, क्योंकि आप जानते हो CH3COO को बोलते हैं एसीटेट और इसके साथ जुड़ा है C6H5, तो इसको बोलते हैं फेनिल, है ना, क्योंकि ये हमारा बेंजीन क्या है, C6H5 है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फेनिल एसीटेट हो जाता है। तो इस तरीका से इस अभिक्रिया को भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, निकल गया प्लस माइनस, और ये वाला प्लस उस माइनस के साथ जुड़ गया, क्योंकि प्लस किस में है, कार्बन है, तो कार्बन जाके उसमें देखो जुड़ रहा है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी, और कार्बन से CH3 जुड़ा है तो CH3, इस तरीका से आपका फेनिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं एसीटेट हाइड्राइड के साथ क्रिया, किसके साथ भाई, एसीटेट हाइड्राइड, एसीटेट हाइड्राइड क्या होता है, ये CH3COOH हो गया, एक और मैं लिखूं CH3COOH, तो यहाँ से दो एसीटिक अम्ल लेते हैं और दो एसीटिक अम्ल से अगर हम इस प्रकार से एक अणु पानी का क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, H2O निकल गया, तो बचा क्या, देखो CH3 ये बचा है, फिर C(OO) बचा, अगर बैलेंसी के आधार पर लिखेंगे, नीचे क्या होता है CH3 और C(OO)
सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग बीच में ला देते हैं। तो ये हमारा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। R लिख देंगे दोनों जगह तो एसिड एनहाइड्राइड होगा, और सी एच थ्री कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्योंकि एसिटिक अम्ल से बना है तो इसलिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। किसके साथ क्रिया कराएंगे, फिनॉल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। अब इस फिनॉल के हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं, जहाँ पर हम क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे भी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और ये हमारा दोनों के बीच में ऑक्सीजन हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक। क्योंकि कार्बन दिख रहा है एसिटिक अम्ल से बना है, देखो 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 ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल से दो एसिटिक अम्ल से पानी के कड़ू निकलने के पश्चात बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड कहते हैं। और इसको आप ऐसे लंबा भी लिख सकते हैं ना भाई, इसको ऐसा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यूं करके ऐसे सीधा करके भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी ओ ओ फिर सी ओ फिर सी एच थ्री, ऐसा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, फिर ये ओ हो गया, फिर ये किससे जुड़ा है हमारा, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो कई तरीका से लिखा जा सकता है, बट वो वाला तरीका सबसे क्या है हमारा, बढ़िया है। तो उसको आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस ढूंढो भाई, प्लस माइनस आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो कौन सा चार्ज है इसमें, माइनस, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। मतलब यहाँ से कुल मिला के यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो अब H प्लस है, और ये देखो सी एच थ्री सी डबल ओ है, ठीक है, सी एच थ्री हो गया सी डबल ओ, माइनस चार्ज है देखो सी एच थ्री सी डबल ओ, और इसके साथ कौन जुड़ जाता है, H। तो यहाँ से एसिटिक का अम्ल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, ये पहले वाला जैसे बचा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारा बेंजीन, ये हमारा हो गया, ये ओ बचा है, और ओ के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन, कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, और ये हो जाता है सी एच थ्री, फिर से क्या हो जाता है आपका, फेनिल एसीटेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो गया भाई हमारा, फेनिल एसीटेट फिर से प्राप्त हो गया हमारा, ठीक। क्यों, क्योंकि सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस वाला था, एच के साथ निकल गया, फेनिल एसीटेट क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस तरीका से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे दिया है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड जैसे एसिटिल क्लोराइड था ना, ये एसिटिल का राइड था, यहाँ पर बेंजीन कर देंगे तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो कैसा होगा ये, ये हमारा हो जाता है आपका, ये हमने कर दिया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। और बेंजोइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे भाई, हम थोड़ा सा उल्टा बना देते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पर हम कर देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हमने कर दिया सी एल, हमने क्या कर दिया सी एल। तो देखो बेंजीन वही छः, देखो सी ओ सी एल सी ओ सी एल बेंजीन कर दिए, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है आपका, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका नाम तो आपको पता है, फिनॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। वही चीज़ है भाई, हमने उल्टा लिख दिया, जैसे सी एच थ्री को उधर लिख देते तो ऐसे लिख दिए, बेंजीन के जगह सी एच थ्री की जगह बेंजीन लिख दिया है ना, जैसे आर सी ओ सी एल, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये हमारा एसिड क्लोराइड होता है ना। अब इस आर के जगह आप क्या कर सकते हो, बेंजीन रख सकते हो, है ना, बेंजीन, और बेंजीन के डबल बॉन्ड कार्बन, और ये सी एल, इसी के जगह आप सी एच थ्री भी रख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने उल्टा रख दिया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है आपका, आसान है, आपको पता है कि ये प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन कैसा होता है, माइनस चार्ज है, और ये हमारा कौन सा, कार्बन जो है हमारा प्लस चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो यहाँ से क्या निकल गया, ये दोनों निकल जाएगा किसके रूप में, एस सी एल के रूप में, किसके रूप में, एस सी एल के रूप में। तो बचा क्या हमारा, ये हमारा बच गया बेंजीन, ये इस प्रकार से क्या बचा हमारा, बेंजीन, जिसमें कौन सा है हमारा स्थिति दिख रहा है आपका, ये आपका दिख रहा है आपका, ये आपका हम लोग करते हैं ओ,
और इसके साथ कौन जुड़ेगा भाई, ये जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, या इसको मैं थोड़ा सा और सस्ता कर देता हूँ, अच्छा से इसको समझा देता हूँ तो आपको और अच्छा से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा फिनॉल की स्थिति को चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं OH, ठीक, अभी भी फिनॉल है भाई, अनकन्फ्यूज नहीं होंगे, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्या करेंगे हम लोग, क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या लिए, बेंजीन लिए, और ये हमारा बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा क्या हो गया, Cl, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, वही है, अभी हम लोग जस्ट वही चीज़ किए हैं, बस थोड़ा सा जो है आपका OH की स्थिति को चेंज किए हैं। ये हमारा प्लस होता है, ये क्या होता है आपका, माइनस होता है, ये प्लस और ये हमारा माइनस, तो कौन निकल जाएगा यहाँ से, ये इस प्रकार से आपका निकल जाएगा HCl निकल गया। तो बचा क्या है हमारा, ये बचा हमारा बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर क्या बचा है, ओ, ओ किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है हमारा, एक और बेंजीन के साथ इस प्रकार से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फेनिल बेंजोएट, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, एक देखो फेनिल, और ये हमारा बेंजीन के साथ सी डबल ओ है, तो इसको बोलते हैं बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, तो इस तरीका से फेनिल बेंजोएट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, फेनिल बेंजोएट आपको देखने को मिलता है। इस अभिक्रिया को एक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, साटन बॉमन अभिक्रिया, साटन बॉमन अभिक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, साटन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, साटन बॉमन अभिक्रिया को क्या कीजिए, समझाइए, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में रखा जाता है। कुछ नहीं करना है, फिनॉल लेना है, बेंजोइल क्लोराइड को लेना है, उसका Cl और इसका H को निकाल देना है, बाकी को आपको जोड़ देना है, बन गया फेनिल बेंजोएट। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, साटन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो कितना हो गया हमारा भाई, चार हो गया, और हम देखते हैं हमारा अमोनिया से क्रिया बोल रहा है, किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसका क्रिया, फिनॉल का, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अमोनिया का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या लिए, बेंजीन लिए, और बेंजीन क्या है, अब यहाँ पर OH जोड़ दिए, तो क्या है हमारा, ये फिनॉल, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल, अमोनिया का फार्मूला मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख देता हूँ इस प्रकार से, ये हो गया हमारा NH3, लुईस क्षार होता है हमारा, ये अमोनिया है, क्या है हमारा, अमोनिया, NH3 है ना भाई, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के बेस पर लिखे हैं, अमोनिया। अब जानते हैं यहाँ से थोड़ा सा आपका अलग निकलता है, अब हम जो पढ़ रहे हैं OH निकलेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको OH माइनस मानते हैं, और ये हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, प्लस, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये हमारा माइनस हो गया है ना, और यहाँ पर जो कार्बन है वो प्लस चार्ज हो गया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाता है आपका, H2O बाहर निकल जाता है, और बेंजीन के साथ आपका जा करके कौन जुड़ जाता है हमारा, NH2 जुड़ जाता है, देखो N बचा है और H2 बचा है, और इस तरीका से एनिलीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन कहते हैं, एनिलीन, और ऐसा क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बेंजीन एमीन, बेंजीन, और क्या बोलेंगे, एमीन कहते हैं। तो इस तरीका से बेंजीन एमीन या एनिलीन क्या हो जाता है आपका, अमोनिया के साथ फिनॉल की क्रिया से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा काम, ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक, प्लस माइनस कर दिया, निकाल दिए, जो बचा उसको जोड़ दिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ पहले आप लोग देखे हैं, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ROH पढ़ रहे थे, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्रिया कराए थे, है ना, तो आपको क्या क्या बना था, प्लस माइनस मैं आपको करके बताया था, तो वही चीज़ है ना, इसमें अलग से कुछ वो नहीं है। देखो R हो गया, ये हो गया OH, और ये क्या होता है, PCl5 होता है, तो इसमें हम लोग क्या माने थे, इसको प्लस माने थे, इसको प्लस, बीच वाला को माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस, तो क्या क्या निकल गया था हमारा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, RCl, हाइड्रोजन एक प्लस है और Cl एक माइनस है, ये निकाल दिए थे। अब बच क्या गया था हमारा, एक बच गया था फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, और तीन क्या बच गया था हमारा, Cl। ये हमारा यौगिक क्या हुआ था, पहले वाला में प्राप्त हुआ था। सेम टू सेम वैसा ही करना है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको क्या कर रहे हैं, R के जगह जो है बेंजीन रख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, PCl5 लेते हैं,
PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं भाई इसको। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है और ये जो हमारा क्या होता है ऑक्सीजन माइनस होता है, और यहाँ पर का जो कार्बन है वो कैसा होगा प्लस। तो हम किसको उठाते हैं, बेंजीन को, क्योंकि ऑक्सीजन तो माइनस वाला है, तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन प्लस है, तो एक सी एल के साथ क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ से निकला था आर सी एल, तो हमने बेंजीन रखा है आर के जगह, तो आर सी एल ना निकल के बेंजीन सी एल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ये क्लोरोबेंजीन निकल गया। ठीक, उसके बाद क्या निकला है एस सी एल, तो एक हाइड्रोजन और एक सी एल, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका एक एस सी एल क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बीच में जो बनेगा उसको लिखेंगे, तो ये के सी एल। अब बचा क्या है फास्फोरस, ये हमारा फास्फोरस हो गया, ये क्या बचा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, कितना सी एल बचा है तीन सी एल, तो ये तीन सी एल फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से फिनॉल जो होता है, इस फिनॉल को किसके साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीका से इसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका LOH के आधार पर प्रक्रिया। और भी दिया है अल्कोहल से थोड़ा सा भिन्नता दर्शाने वाले कुछ अभिक्रिया आपके बुक में क्या किया है दिया गया है। पहला दिया है जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ, जिंक क्या होता है ZN को जिंक बोलते हैं, तो उनके साथ आप क्या कर सकते हैं क्रिया करा सकते हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे भाई, ये हमारा हो गया फिनॉल, ये हमारा क्या है फिनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल को अगर हम ZN की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से ना ZN और O निकल जाता है, ZNO मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया जाके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है बेंजीन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो गया बेंजीन। तो जिंक क्या करता है ऑक्सीजन के साथ निकल गया किसके रूप में, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन क्या करता है जो पहले क्या करता है बाहर निकला था वो हाइड्रोजन चुपचाप वहीं पर जाके बैठ जाता है और हमको क्या करता है बेंजीन दे जाता है, बेंजीन देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ये वाला अभिक्रिया को बता सकते हैं। एक और दिया है उदासीन फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है FeCl3 को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है, का साथ अभिक्रिया, एक फेरस क्लोराइड होता है भाई FeCl2 को बोलते हैं फेरस क्लोराइड और FeCl3 को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, क्योंकि हमारा जो आयरन होता है दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, दो प्रकार के ऑक्सीकरण दिखाता है, प्लस टू वाला और ये प्लस थ्री वाला, तो ज़्यादा वाला में हम सफिक्स क्या लगाते हैं ईक लगाते हैं, कम वाला में सफिक्स अस लगाते हैं, इस वजह से टू वाला को फेरस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हम लोग लेते हैं फिनॉल, ये हमारा क्या है फिनॉल है, ठीक है, इसको तो फिनॉल बोल रहे हैं भाई हमारा, ये हमारा क्या है फिनॉल है, और यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है FeCl3 होता है, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या क्या बनता है, इसको हम लोग प्लस मानते हैं, इसको हम लोग प्लस, इसको हम लोग माइनस मान लेते हैं, ये हमारा प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस, क्योंकि देखो माइनस तीन दिख रहा है और प्लस एक दिख रहा है, तो इसको चुपचाप तीन कर देते हैं, तीन हाइड्रोजन और तीन क्लोरीन को यहाँ से क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, तो ये 3HCl निकल गया, तीन हाइड्रोजन और तीन Cl, बचा क्या है Fe, तो इसको लिखते वक्त ऐसा हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कैसा, ये हो जाता है Fe एक होता है और उसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है क्या है हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा है C6H5 और वो भी कितना तीन जुड़ा हुआ है, तो इस तरीका से हमको एक यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, इसको बोल सकते हैं ट्राइफिनॉक्साइड, है ना, फेरस हम लोग बोल सकते हैं, तो एक यौगिक क्या हो जाता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से इस वाला अभिक्रिया को भी क्या किया जा सकता है देखा जा सकता है बताया जा सकता है। तो ये ऐसा अभिक्रिया हो गया बहुत सारा, तो उसमें जितने भी हमारे अभिक्रिया था हो गया। आगे हमको देखना है बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्टान स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सा लेक्टान स्नेही, मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उस इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको बोलते हैं भाई, जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है लगाव होती है चाह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं ई प्लस से दर्शाते हैं, और जितने भी बेंजीन वाले होते हैं वो बेंजीन वाले सारे के सारे क्या करते हैं आपका लगभग जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दर्शाते हैं, और जिनको
इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है जो पूर्ति होती है वो जो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। और बेंजीन के अगर हम बात करें फिनाल की बात करें तो इसका आर्थो पोजिशन मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन होता है, सेम आर्थो मेटा और ये पैरा होता है। तो आप जानते हैं अनुनादी संरचना से आपको पता है कि जो बेंजीन होता है उस बेंजीन के जो आर्थो पोजिशन होता है पैरा पोजिशन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि अनुनादी संरचना की वजह से यहीं यहीं पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है, है ना। अभी जस्ट हम लोग जो है अनुनादी संरचना देखे हैं तो आप देखे होंगे अनुनादी संरचना में कहाँ कहाँ पर भाई इस वाला क्षेत्र में, इस वाला क्षेत्र में और इस वाला क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी अभिकर्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या तो आर्थो पोजिशन में जुड़ता है या तो वो पैरा पोजिशन पर क्या करता है जुड़ता है और आपका बहुत सारा यौगिक यहाँ पर क्या करता है देता है। तो जितने भी अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं वो उसी टाइप का अभिक्रिया होता है, जिसमें से पहला अभिक्रिया जो होता है वो हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण मतलब यहाँ पर हैलोजन का योग जो होता है जिसके जगह फ्लोरीन क्लोरीन है ना ब्रोमीन और आयोडीन क्या कर सकता है जुड़ सकता है उसको हम लोग को देखना है, जिसे हैलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाला भी हमने जो है क्लास है उसमें ये सब चीज़ के बारे में बातें कर चुके हैं। तो फिर भी चलते हैं हैलोजनीकरण क्या है, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम दिया गया है, ध्रुवी माध्यम जिसे पोलर हम लोग बोल सकते हैं आपका माध्यम, जिसमें हम किसको लेते हैं H2O को लेते हैं क्योंकि पोलर माध्यम में H2O ही सबसे बेस्ट माध्यम होता है। तो यदि हम क्या करते हैं ध्रुवी माध्यम में क्या करते हैं फिनाल का अगर हम क्या करते हैं आपका हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमको निम्न प्रकार का यौगिक क्या होता है आपका प्राप्त होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया हमारा OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। और इस फिनॉल को अगर हम क्या करते हैं मान लो Cl2 के साथ, किसके साथ Cl2 मतलब क्या बोलते हैं क्लोरीन बोलते हैं। तो Cl2 के साथ अगर क्या करते हैं इसको हम ध्रुवी माध्यम, कैसा माध्यम में ध्रुवी माध्यम जैसे पानी है, है ना। तो ध्रुवी माध्यम में क्या करते हैं जब इसका हैलोजनीकरण कहलाते हैं हैलोजनीकरण जब कराते हैं तो ये क्या होता है आपका ये जो क्लोरीन होता है उसके आर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन में जाके क्या हो जाता है तीनों जगह पर जाके जुड़ जाता है, तीनों जगह पर जुड़ जाता है कौन से माध्यम में ध्रुवी माध्यम में, ठीक है ध्रुवी माध्यम में, क्योंकि तीन जगह है हमारा दो आर्थो और हमारा एक पैरा। तो यहाँ पर एक Cl जुड़ जाता है, यहाँ पर एक Cl जुड़ जाता है और यहाँ पर एक Cl जुड़ जाता है। उस स्थिति में तीन Cl जुड़ रहा है मतलब तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो इसको तीन ले लेते हैं। जहाँ जहाँ जुड़ता है जहाँ जहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है हमारा रिप्लेस करता है, तीन जगह से जुड़ रहा है तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करता है जो तीन क्लोरीन के साथ इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार से एक यौगिक क्या बनता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कौन कौन पोजिशन में है देखो 2 उसके बाद 4 फिर कितना हमारा 6, 3 है तो क्या होता है ट्राई क्लोरो फिनॉल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो 1, 4, 6 ट्राई क्लोरो फिनॉल क्या होता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, सेम आप किसके लिए कर सकते हैं ब्रोमीन के लिए भी कर सकते हैं भाई, ये OH हो गया और ये Br2 करते हैं ये 3 कर देते हैं। और उस स्थिति में जब हम ध्रुवी माध्यम में इसको करके देखते हैं तो ध्रुवी माध्यम में क्या होता है तीनों पोजीशन पर जाके क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से जुड़ जाता है, कौन सा ये OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br। तो वही पोजीशन 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो है ना फिनॉल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप ध्रुवी माध्यम में आपको हैलोजनीकरण क्या होता है देखने को मिलता है। बट यही वाला प्रोसेस अगर हम किस में देखें हम लोग अध्रुवी माध्यम में देखें, किस में देखें भाई अध्रुवी माध्यम में देखेंगे तो उसको हमको देखना है कि अध्रुवी माध्यम में क्या होता है किस प्रकार से होता है। तो ये अलग ही आपका अध्रुवी माध्यम में क्या करता है गुण प्रदर्शित करता है। तो उसको हमको क्या करना है अभी देखना है कैसा है किस प्रकार से है। तो क्या देखेंगे हम लोग अध्रुवी माध्यम में देखते हैं भाई, किस में अध्रुवी माध्यम में। तो ये जो अध्रुवी माध्यम होता है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको काट देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं दूसरा नंबर जो दिया है अध्रुवी माध्यम में देखना है, कैसा देखना है हमको अध्रुवी माध्यम में हम इसको क्या करते हैं
देखते हैं, ठीक है। अध्रुवी माध्यम जैसे कार्बन डाइसल्फाइड होता है, ये अध्रुवी माध्यम है, तो इसकी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, OH हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल कहते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है अध्रुवी माध्यम में कराएं कार्बन डाइसल्फाइड, तो उस स्थिति में हमको ऐसा यौगिक क्या होता है हमारा प्राप्त होता है, कैसा, ये हमारा फिनॉल हो जाता है, और यहाँ पर एक BR आ जाता है, और यहाँ पर फिर एक और हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है, बट इसके साथ क्या हो जाता है, BR आ जाता है। तो ये आपका अध्रुवी माध्यम में इस प्रकार से आपका यौगिक क्या होता है देखने को मिलता है, जिसमें से ये वाला पोजीशन कौन सा होता है, आर्थो, तो नाम किया जा सकता है आर्थोब्रोमो, और ये फिनॉल लिखा जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पैरा ब्रोमो हमारा क्या हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से ये कौन सा माध्यम में होता है भाई, अध्रुवी माध्यम में देखने को मिलता है, है ना। और चूंकि जहाँ से जुड़ता है हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो इस प्रकार से HBr क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3HBr निकलेगा, 3HBr। तो इस तरीका से हम ध्रुवी माध्यम में और अध्रुवी माध्यम में क्या कर सकते हैं, जो हैलोजनीकरण की प्रक्रिया है उसको देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका क्या होता है, आपका यौगिक बनता है, जिसमें आपका ये क्या होता है, 80% बनता है, जिसे हम लोग मुख्य उत्पाद कहते हैं, या 20% बनता है, इसे आंशिक उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो इस तरीका से दोनों माध्यम में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रक्रिया है उसको देख सकते हैं भाई। तो ये हमारा पहला वाला स्थिति क्या हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। आगे हमको देखना है वो है आपका सल्फोनीकरण, कौन सा करण हमारा, सल्फोनीकरण, ये हम लोग देखेंगे क्या है कैसा है उसको देखेंगे। सल्फोनीकरण मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होता है, किसके साथ भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना, H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, किसका, फिनॉल का। ये हमारा क्या दिया है, फिनॉल दिया गया है, ये हमारा फिनॉल हो गया, OH हो गया, इसको हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर में दिया गया है, किसके साथ क्रिया कराएंगे, H2SO4 के साथ हम लोग क्रिया कराएंगे अलग अलग टेम्परेचर में भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, H2SO4 ये लगभग 373 केल्विन ताप पर दिया गया है, 373, और ये दिया है हमारा लगभग 293 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ क्या दिया है, क्रिया दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो ही पोजीशन बनेगा कुल मिला के, एक हमारा हो जाएगा O और ये हो जाएगा SO3H, और यहाँ पर आपका जो होता है वो हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पर हो जाएगा आपका SO3H। तो इस तरीका से दो यौगिक यहाँ से बनता है, क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है तो किस में टूटता है भाई, OH और SO3H में क्या हो जाता है, तोड़ जाता है, है ना, पहले भी हम लोग देखे हैं इस पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में टूटता है, OH माइनस चार्ज में, और SO3 जो क्या होता है, H होता है, इस प्लस चार्ज में टूटता है, और प्लस चार्ज वाले को ही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, इसलिए वो पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर जाके क्या हो जाता है, जम जाता है, और ये देता है हमारा, ये हो जाता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, आर्थो पोजीशन ये है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी, फिर क्या बोलते हैं हमारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हो आप, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है हमारा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है, आपको यौगिक देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है सल्फोनीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, कहा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रीकरण देखेंगे, कौन सा देखेंगे भाई, नाइट्रीकरण देखेंगे, और नाइट्रीकरण में किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसको हमको क्या करना है, देखना है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो नाइट्रीकरण मतलब क्या होता है हमारा, HNO3, इसको बोलते हैं कौन सा हमारा, नाइट्रिक एसिड,
क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इसके साथ भी फिनॉल क्या करता है, क्रिया करता है। और यहाँ पर दो माध्यम दिया है, ये हम लोग सांद्र वाला करते हैं पहले, कौन सा वाला करते हैं, सांद्र वाला में देखते हैं, और फिर हम क्या देखते हैं, तनु वाला में देखते हैं। सांद्र वाला में अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमारा बन जाता है फिनॉल। ये हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फिनॉल देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये जो है इस प्रकार से ये हो गया फिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा, HNO3। ये हमारा कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हो तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये टूट जाता है OH में और ये टूटता है NO2 में। ये हमारा प्लस चार्ज होता है, ये हमारा कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस चार्ज वाला ही क्या करता है आपका, आर्थो और पैरा पोजिशन में जुड़ता है, क्यों, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही होता है। तो यहाँ पर आपका देखूँ तो यहाँ पर जो OH होता है ये तो बीच में रहेगा, और ये जो हमारा NO2 है, इधर आपका NO2 है, इधर आपका NO2 है, सब तरफ जो है तीनों पोजीशन में जुड़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2, 4 और ये 6 हो जाता है, तो 2, 4 और ये हमारा 6 होता है ट्राई नाइट्रो फिनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसको पिकरिक अम्ल क्या बोलते हैं, पिकरिक एसिड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को अगर आपका सांद्र जो हमारा क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है ना, उसके साथ अगर इस प्रकार से क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में आपको इस प्रकार से क्या होता है आपका, पिकरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, या पिकरिक अम्ल देखने को मिलता है। तो नाइट्रिक अम्ल जब टूटता है, इसका नाम क्या है भाई, नाइट्रिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो जो नाइट्रिक अम्ल है वो टूटता है तो OH में टूटता है और क्या होता है, NO में टूटता है, और सांद्र वाला स्थिति में सब पोजीशन पे जुड़ जाता है और इस प्रकार से पिकरिक अम्ल देता है, साथ में H2O क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। कितना हम लोग लिखेंगे, मान लो इसको 3 बार कर दिए तो 3 H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया आप देख सकते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। और इसको अगर हम करते हैं HNO3 के साथ, ये क्या हो जाता है OH, और ये हो जाता है आपका NO2, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, कहाँ कहाँ पर जुड़ सकता है, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो ये OH हो गया, ये हमारा हो जाएगा NO2, और साथ में एक और अगर लिख दें तो इस प्रकार से बेंजीन, ये हो गया OH, फिनॉल हो गया और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर है और पैरा पर, तो इसका नाम हो जाता है पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो इस तरीका से हमारा क्या हो जाता है, फिनॉल क्या हो जाता है आपका, प्राप्त हो जाता है। और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया क्या की जाती है, कराई जाती है। तो इस प्रकार से तनु अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आर्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल का क्या देता है आपका, एक सेड देता है, OH है, जहाँ से हमारा NO2 जुड़ता है वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, मतलब यहाँ से आपका H2O भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है, बता सकते हैं, ठीक है। तो सांद्र के साथ हो गया, तनु के साथ हो गया, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप क्या कर चुके हैं, इससे पहले वाले क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये बेंजीन होता है और ये हमारा OH हो गया, फिनॉल हो गया, और इस फिनॉल को अगर हम क्या करते हैं, CH3Cl, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, कौन सा हमारा, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं भाई। तो इस मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये टूट जाता है हमारा माइनस, ये हो जाता है प्लस, तो कौन जाके जुड़ेगा हमारा, प्लस वाला जाके जुड़ता है, तो ये हमारा हो जाता है OH, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हम लोग करेंगे आपका OH और एक हो जाता है CH3, इसको बोलते हैं हमारा आर्थोमेथिल फिनॉल और इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेथिल फिनॉल
फिनॉल। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को जब मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने से आपको आर्थोमेथिल फिनॉल, पैरामेथिल फिनॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया कुछ प्रक्रिया। तो आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें आगे का टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।